मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव मीन्स होता क्या है बताएं? विशेषण। विशेषण शब्द क्या है? क्या विशेषण? यानी किसी की गुण दशा के बारे में जानकारी हासिल करना विशेषण कहलाता है। ठीक है, वही हमने बोर्ड पर लिखा है। एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or pronoun, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में, विशेषण कहेंगे हिंदी में। यानी कि जैसे आप ही लोग में कहा जाता है ना कि जो है निशा बहुत कमजोर बच्ची है पढ़ने में, तो कमजोर है तो निशा के बारे में क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, कैसी है? कमजोर। यानी कैसी, हाउ का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। एनी डाउट? समझ में आ रही ना? अब एग्जांपल में आप देख लीजिए, हमने लिखा है सुमन इज अ वाइज वुमन। सुमन एक बुद्धिमान औरत है। कैसी औरत है? समझ में आया बात? यानी इसकी अगर पूछा जाए एडजेक्टिव क्या है तो ये। अच्छा, दूसरा का बताइए एडजेक्टिव क्या होगा? वेरी गुड। गुड नहीं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। कैसा है? अच्छा का अंग्रेजी? बस, कोई डाउट? एडजेक्टिव समझ में आ गया? आना भी चाहिए। अब कभी भी पूछा जाए एडजेक्टिव शब्द आने से ही दिमाग में आ जानी चाहिए कि उसकी हमको गुण बताना है, दशा बताना है कि कैसा है। कैसा सवाल लगाएंगे जो आंसर आ जाएगा वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो अभी आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना? अब हम बताएंगे उसको 2x में कर दीजिएगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी संख्या के बारे में उसकी बता रहा है। क्वालिटी मतलब विशेषता, विशेषण, गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुण के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी संख्या की विशेषता। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्याओं की विशेषता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पांचवा है डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये आप अक्सर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव ज़्यादातर आता है, इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब दो ज़्यादा आते हैं। इंट्रोगेटिव हमको लगता है अभी प्रोनाउन में भी इससे पहले पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव शब्द आ रहा था और इसमें भी आया है, तो ये दिमाग में बैठा लो।